अस्सलामुअलैकुम, किचन ऑफ एवरीथिंग में आपका वेलकम। तो आज मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार एग करी। तो इसमें क्या क्या सामान ऐड होंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 8 अंडे लिए हैं और इनको बॉईल करने के लिए रख दीजिए। तो पानी आप उतना ही डालें जितने आपके अंडे डूब जाएं। तो देखिए हमारे अंडे बॉईल हो चुके हैं। तो इसमें सूखे मसाले डालते हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिए, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्च, 2 प्याज, 2 तेज़पत्ता के पत्ते और 1 टुकड़ा अदरक का, 2 टमाटर, 1 लहसुन की गांठ, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 5 से 6 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1/2 चम्मच काली मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो एक जार में लहसुन डालेंगे, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए हमारी प्यूरी बनकर तैयार है लहसुन अदरक टमाटर की। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब आप इनको मिक्स कर लीजिए। हमारा मसाला भी तैयार हो गया। तो ये अंडे हमने बॉईल किए थे तो इसमें थोड़े थोड़े कट लगाने हैं आपको, और इसमें कश्मीरी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक वो इस पर लगाना है आपको अच्छी तरह, ताकि नमक और मिर्च का फ्लेवर अंदर तक अंडे के पहुंच जाए। इससे इसका कलर भी अच्छा लगेगा। एक पैन में थोड़ा सा तेल डालिए और तेल हो जाए तो उसमें अंडे फ्राई करने के लिए आप डाल दीजिए। अंडे हमें जब तक फ्राई करने हैं जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपको चलाते रहना है ताकि लग ना जाए एक तरफ से। तो देखिए हमारे अंडे तैयार हैं, ब्राउन हो गए हैं। अब जो हमने पैन लिया था उसी में हमें दोबारा वही तेल डालना है, हमने पहले ही पका के तेल रख लिया था। तो इसमें मसाला डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे, और इसको ढक करके रख देंगे। तो देखिए हमारे मसाले, हमने कसूरी मेथी डाली है इसमें, थोड़ा थोड़ा तेल आ चुका है ऊपर, तो अभी थोड़ा सा और भुनेंगे। नमक हमने इसमें डाल दिया था जो हम दिखा नहीं पाए आपको। अब इसमें पानी डालेंगे, ग्रेवी तैयार हो जाएगी हमारी। ये हरा धनिया, तो देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब इसमें अंडे डालेंगे, आप अंडों को अच्छी तरीके से चला दीजिए ताकि इसमें अंदर तक इसका फ्लेवर पहुंच जाए। बहुत अच्छा कलर आया है हमारे सालन का। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें, देखिए कितनी बढ़िया इनकी कलर दिख रहा है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला,
अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बड़ा बढ़िया कलर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।